Hello learners, welcome back to my channel. Dear learners, मैंने आपको TCP header draw करना बताया था. 2015 में एक question आया था that draw TCP header and explain different flags. ठीक है? तो अगर आपने मेरी पहले वाली video देखी है, उसमें मैंने आपको TCP header के सारे field बताए थे. आज मैं आपके साथ TCP header के जो flags हैं, URG flag है, ACK है, push है, RST है, sync और fill. ये सारे flags आपके साथ discuss करूंगी और जो हमारे remaining fields हैं, वो सारे आपके साथ discuss करने वाली हूँ. क्योंकि हो सकता है कि आपको sequence number के बारे में पूछा जाए, acknowledgement number के ऊपर भी आपको note आ सकता है, window size के बारे में पूछा जा सकता है. तो पूरा TCP header जो है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है. जैसे कि आपको पता है कि जो TCP है वो एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है. तो आज सबसे पहले मैं आपको इसके सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट के बारे में बताने जा रही हूँ. डियर लर्नर्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो. मैंने इग्नो के स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करे हैं. जब आप मेरे चैनल पर जाओगे, मेरी प्रोफाइल पिक के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको सारी प्लेलिस्ट मिलेगी. वहां पे प्रीवियस ईयर इग्नो के क्वेश्चंस हैं, आप उनको भी देख सकते हो. डियर लर्नर्स, जैसे कि आपको पता है कि टीसीपी हेडर में सबसे पहले हमारे पास सोर्स पोर्ट आता है. तो सोर्स पोर्ट जो है वो 16 बिट का है. सोर्स पोर्ट का फंक्शन क्या है? That it identifies, आप नोट कर सकते हो that it identifies the port of the sending application. Means जो data है वो कौन सी application जो है वो send कर रही है, वो sending source port से पता चलेगा. और जो destination port है उससे हमें क्या पता चलेगा? डेस्टिनेशन पोर्ट जो है ये भी 16 बिट का है. तो डेस्टिनेशन पोर्ट क्या करेगा, आप लिख सकते हो दैट इट आइडेंटिफाइज द पोर्ट ऑफ रिसीविंग एप्लीकेशन. मीन्स कौन रिसीव कर रहा है. ठीक है, उस पोर्ट के बारे में हमें डेस्टिनेशन पोर्ट से पता चलेगा. डियर लर्नर्स, जो नेक्स्ट फील्ड है वो कौन सा फील्ड है? सीक्वेंस नंबर. तो सीक्वेंस नंबर क्या बताएगा? सीक्वेंस नंबर जो है ये एक यूनिक नंबर होता है. सो टीसीपी असाइंस यूनिक सीक्वेंस नंबर, यूनिक सीक्वेंस नंबर टू ईच बाइट ऑफ डेटा कंटेन्ड इन टीसीपी सेगमेंट. ये एक रैंडम नंबर है. ठीक है, सो दिस फील्ड कंटेन्स द सीक्वेंस नंबर ऑफ फर्स्ट डेटा बाइट. ठीक है, आप नोट कर सकते हो दिस फील्ड कंटेन्स द सीक्वेंस नंबर ऑफ फर्स्ट डेटा बाइट. डियर लर्नर्स, नेक्स्ट जो हमारा फील्ड है वो है एक्नॉलेजमेंट नंबर. सो दिस फील्ड कंटेन्स द सीक्वेंस नंबर ऑफ डेटा बाइट दैट रिसीवर एक्सपेक्ट टू रिसीव नेक्स्ट फ्रॉम द सेंडर. कि अगर जो रिसीवर, अगर सेंडर ने कोई सेगमेंट सेंड करा है 1000 का, तो जो रिसीवर है वो उसमें एक इंक्रीमेंट कर देगा. मीन्स वो सेंडर को क्या सेंड करेगा कि अब उसको कौन सा सेगमेंट चाहिए, 1001. सो आप नोट कर लो दैट इट कंटेन्स द सीक्वेंस नंबर ऑफ डेटा बाइट दैट रिसीवर एक्सपेक्ट टू रिसीव फ्रॉम द सेंडर एंड इट इज ऑलवेज इंक्रीमेंटेड बाय 1. इट इज ऑलवेज इंक्रीमेंटेड by 1.
राइट डियर लर्नर्स, नेक्स्ट जो हमारे पास फील्ड है वो है हेडर लेंथ. तो हेडर लेंथ जो है वो एक 4 बिट का फील्ड है विच कंटेन्स द लेंथ ऑफ टीसीपी हेडर. सो इट कंटेन्स द लेंथ ऑफ टीसीपी हेडर. और यहां से हमें पता चलता है कि हमारा जो डाटा है वो क्या हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है. सो द लेंथ ऑफ द टीसीपी हेडर इज, मैं पहले भी बता चुकी हूं, वो मिनिमम कितनी है 20 बाइट्स की और मैक्सिमम कितनी है 60 बाइट्स की. तो नेक्स्ट हमारे पास जो फील्ड आता है वो फील्ड है हमारे पास रिजर्व्ड बिट्स. तो रिजर्व बिट्स जो है वो 6 बिट्स की होती है, रिजर्व्ड बिट्स. तो ये फ्यूचर यूज के लिए है. दीज बिट्स आर नॉट यूज्ड, इनको यूज नहीं किया जाता. कितने बिट की है ये? 6 बिट की है, रिजर्व बिट्स. नेक्स्ट आपके पास जो आता है वो है, जो आपके पेपर में क्वेश्चन आया है, फ्लैग्स के रिगार्डिंग. डियर लर्नर्स, जो हमारे पास फर्स्ट फ्लैग है वो है यूआरजी. सो अर्जेंट फ्लैग जो है उसकी वैल्यू 1 सेट करी जाती है अगर हमने किसी डाटा को अर्जेंटली सेंड करना है. मीन्स टू गिव प्रेफरेंस टू प्रायोरिटाइज डाटा, यूआरजी बिट जो है वो क्या सेट करी जाती है? 1, अदरवाइज इट इज इक्वल टू 0. डियर लर्नर्स, नेक्स्ट फ्लैग इज ACK फ्लैग. सो इस फ्लैग की जो बिट है 1 सेट करी जाती है अगर तो एक्नॉलेजमेंट जो है वैलिड है. अगर एक्नॉलेजमेंट वैलिड नहीं है तो इस बिट की वैल्यू 0 सेट करी जाती है. जैसे कि आप देख रहे हो मैंने लिखा है दैट दिस फ्लैग इज यूज्ड टू इंडिकेट दैट एक्नॉलेजमेंट नंबर कंटेन्ड इन TCP इज वैलिड और नॉट. सो अगर वैलिड है तो इस बिट की वैल्यू 1 सेट करी जाती है. डियर लर्नर्स, नेक्स्ट फ्लैग इज पुश फ्लैग. सो इस बिट की वैल्यू 1 करी जाती है अगर हमने डाटा रिसीवर को इमीडिएटली सेंड करना है. मीन्स अगर सेंडर ने रिसीवर को इमीडिएटली सेंड करना है डाटा तो इस बिट की वैल्यू 1 होगी, अदरवाइज इस बिट की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी. लर्नर्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब सेंडर रिसीवर को डाटा सेंड करता है तो पहले डाटा जो है वो कहाँ स्टोर होता है? बफर में स्टोर होता है. बट अगर हम बफर में स्टोर नहीं करवाना चाहते, इमीडिएटली रिसीवर को सेंड करना चाहते हैं तो इस बिट की जो वैल्यू है वो 1 कर दी जाती है. तो डाटा जो है वो बफर में नहीं स्टोर होता, डायरेक्टली वो सेंडर से कहाँ चला जाता है? रिसीवर की तरफ चला जाता है. डियर लर्नर्स, नेक्स्ट फ्लैग इज RST बिट. दिस बिट इज यूज टू रीसेट द TCP कनेक्शन. TCP कनेक्शन को टर्मिनेट करने के लिए इस बिट की जो वैल्यू है वो क्या सेट करी जाती है? 1. ठीक है, अदरवाइज इस फ्लैग की जो वैल्यू है वो क्या होगी? 0 होगी. सो दिस बिट इज यूज टू रीसेट द TCP कनेक्शन. डियर लर्नर, नेक्स्ट फ्लैग जो है वो है सिंक बिट. सिंक बिट इज यूज टू सिंकनाइज द सीक्वेंस नंबर. तो सीक्वेंस नंबर को सिंकनाइज करने के लिए इस बिट की वैल्यू 1 सेट करी जाती है. नेक्स्ट इज फिन बिट. इट इज यूज टू टर्मिनेट द TCP कनेक्शन. ठीक है, तो आप अभी बोलोगे कि आपने RST के बारे में भी यही बोला था. तो जब हम RST यूज करेंगे वो रिसीवर कनेक्शन को क्या करना चाहता है? टर्मिनेट करता है. तो इट इंडिकेट्स द रिसीवर. बट फिन के केस में इट इंडिकेट्स द रिसीवर दैट द सेंडर वॉन्ट्स टू टर्मिनेट द कनेक्शन. ठीक है, सो इस बिट की वैल्यू जो है वो 1 सेट करी जाती है. सो फिन सेगमेंट सेंट फॉर TCP कनेक्शन टर्मिनेशन कंटेन्स व्हेन इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 1. सो ये सारे फ्लैग्स थे जो आपको क्वेश्चन में आए थे. तो इन फ्लैग्स के बारे में भी अलग से भी आ सकता है, नोट भी आ सकता है. तो आप TCP हेडर जो है वो उसमें जितने भी फील्ड हैं, किसी भी फील्ड के बारे में आपसे पूछा जा सकता है. डियर लर्नर्स, नेक्स्ट जो हमारा फील्ड है वो है विंडो साइज. सो इट कंटेन्स द साइज ऑफ द रिसीविंग विंडो ऑफ द सेंडर. ठीक है, आप ये लिखोगे दैट इट कंटेन्स द साइज ऑफ द रिसीविंग विंडो. तो जो रिसीविंग विंडो का साइज है वो ड्यूरिंग डेटा ट्रांसमिशन क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है. एंड एज वी नो दैट विंडो साइज इज यूज्ड फॉर फ्लो कंट्रोल. डियर लर्नर्स, नेक्स्ट फील्ड इज चेकसम फील्ड.
चेकसम इज यूज्ड फॉर एरर कंट्रोल, ठीक है। और ये जो फील्ड है ये वेरीफाई करता है कि जो हमारा डाटा है वो इंटीग्रेट है, मींस डाटा जो है वो करेक्ट है। सो चेकसम फील्ड इज यूज्ड फॉर एरर कंट्रोल। नेक्स्ट फील्ड इज अर्जेंट पॉइंटर। अर्जेंट पॉइंटर जो है इट इज आल्सो ए 16 बिट फील्ड। नेक्स्ट जो है हमारे पास कौन सा है, अर्जेंट पॉइंटर, ये भी हमारा 16 बिट का क्या है, फील्ड है। तो आप इसके बारे में लिख सकते हो दैट इट इंडिकेट्स हाउ मच डेटा इन द करंट सेगमेंट काउंटिंग फ्रॉम द फर्स्ट डेटा बाइट इज अर्जेंट, कि कौन सा डेटा जो है वो अर्जेंट है, वो अर्जेंट पॉइंटर से पता चलता है। राइट डाउन, इट इंडिकेट्स हाउ मच डेटा इन द करंट सेगमेंट काउंटिंग फ्रॉम द फर्स्ट डेटा बाइट इज अर्जेंट। दिस फील्ड इज कंसिडर्ड वैलिड एंड इवेल्युएटेड। ये फील्ड तभी वैलिड माना जाएगा जब हमारे फ्लैग में जो URG है उसकी वैल्यू 1 सेट होगी, ठीक है। अगर URG फ्लैग की वैल्यू 1 सेट होगी तो ही अर्जेंट पॉइंटर को जो ये वाला फील्ड है उसको वैलिड माना जाएगा। सो नेक्स्ट वी हैव ऑप्शन, दिस इज ऑप्शनल फील्ड एंड द साइज ऑफ द ऑप्शनल फील्ड वेरी फ्रॉम 0 बाइट्स टू 40 बाइट्स। सो डियर लर्नर्स, आज मैंने इस वीडियो लेक्चर में आपको सारे फील्ड्स की एक्सप्लेनेशन बताई है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर सकते हो सो दैट उनको भी इसका बेनिफिट हो सके। और अगर आपको TCP हेडर के ऊपर क्वेश्चन आता है तो आई होप कि आप अब इसको बहुत अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। तो अभी मैं आपको अर्जेंट पॉइंटर के बारे में लिख देती हूँ। कमेंट करना मत भूलना कि आपको वीडियो यूजफुल लगी है, और आप कौन सा क्वेश्चन है जो आपको लगता है कि उसकी वीडियो। सो डियर लर्नर्स, आप और किसकी वीडियो चाहते हो, कौन सा क्वेश्चन है जो आप चाहते हो जिसके ऊपर वीडियो बनाई जाए, ये आप अपने कमेंट के साथ जरूर शेयर करना। मैंने लिख दिया है अर्जेंट पॉइंटर के बारे में। दिस फील्ड इंडिकेट्स हाउ मच डेटा इन द करंट सेगमेंट काउंटिंग फ्रॉम फर्स्ट डेटा बाइट इज अर्जेंट। मेरा टेलीग्राम के ऊपर भी चैनल है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल को। और अगर आप चाहते हो किसी सब्जेक्ट की कोचिंग तो आप अपना जो है वो भी बता सकते हो कमेंट के थ्रू। तो मैं जूम लेक्चर्स देती हूँ, ठीक है। अगर आप किसी सब्जेक्ट की कोचिंग चाहते हो वो भी आप बता सकते हो। थैंक्स अ लॉट।